Yes, with this kind of questions, like first of all, those who are joining late, for them, in MCQs, different kind of questions will be there. Like for example, and years, you have to match. Then various kind of grouping will be there. You have to select the right answer. It means जो आपके MCQs हैं, आप ये सोचो कि एक MCQ में आपके 5 questions हैं. लेकिन this is of only 1 mark. So these kind of tricky MCQs you have to prepare, and for that learn the chapter and learn the events according to years also. Learning is not sufficient कि याद कर लिया, लेकिन अब आपने उनको sequence में भी याद रखना है कि इनमें से कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में. अगर हमने इसको arrange the order करना हो तो भी आपको कैसे होएगा, like write down. अब आपको arrange करना है, arrange का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 2 3 1 4 5, this kind of options will be here given. आपको arrange करना है कि कौन सी event पहले हुई कौन सी बाद में हुई. So write down different events. अब आपको आएगा arrange the events in order. Number 1, civil war in Sri Lanka. अब आपको इसमें year नहीं पूछा, लेकिन आपको event जो है वो sequence में करनी है. सिविल वॉर इन श्रीलंका, देन इंडिपेंडेंस ऑफ श्रीलंका, सिन्हाला एक्ट पास्ड इन श्रीलंका, Then fourth, amendment in the constitution. अब इनको rearrange करो पहले events. First event, हाँ जी, first event बताओ उसको. Yes, online students, hurry up. इनमें से कौन सी इवेंट पहले या कौन सी बाद में, इसको अरेंज करो अकॉर्डिंग टू नंबर्स. हाँ जी, ईयर्स हैं, एक पर्टिकुलर ईयर नहीं है, ग्रुप ऑफ ईयर्स है. आफ्टर 1970 फोर टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड. ओके, नंबर 1 इंडिपेंडेंस ऑफ श्रीलंका, नंबर 2 सिन्हाला, ठीक है. 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली, फिर एक्ट पास हुआ. देन थर्ड, सिविल वॉर से पहले, नहीं आपने ईयर वाइज करना है, आपको ये नहीं पूछा कंट्री वाइज, ईयर वाइज. कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पहले हुई ना, बेल्जियम, हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं. तो दोनों मिक्स किया है, मिक्स का मतलब है आपको दोनों चैप्टर्स के मिक्स इवेंट्स भी आ सकती है, दोनों की स्टोरीज भी मिक्स होके आ सकती है. आप पहले अमेंडमेंट हुई बेल्जियम में, उसके बाद कौन सा ईयर आता है, 1980 सिविल वॉर इन श्रीलंका, ऐसे, ठीक है. चलिए फिर एक और लिखो, मैं आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स बता रही हूं, आपने उनको अकॉर्डिंग टू लिस्ट मैच करना. नंबर 1 एटॉमिक एनर्जी, नंबर 2 पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर भी कह सकते हैं, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर. देन थर्ड, साइबर लॉज. फोर्थ, एजुकेशन. लाइक अगर तो मैथ्स का कॉलम्स में होगा तो आपको लिस्ट दी होंगी, फोर लिस्ट विल बी गिवन, यू हैव टू मैच. लेकिन मैच करने से पहले आपको खुद तो पता होना चाहिए ना ये कौन से है. यस, राइट डाउन ये सब्जेक्ट्स कौन सी लिस्ट में है, राइट डाउन, हरी अप, टेल मी फास्ट, रेज योर हैंड्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स. वेरी गुड, राघव अरोड़ा, एटॉमिक एनर्जी, यूनियन लिस्ट, साइबर लॉज, रेजिड्यूरी,
साइबर लॉज जो हैं वो रेजिड्यूरी में है बच्चे. थर्ड पुलिस स्टेट लिस्ट. एजुकेशन बोथ बोथ में है तो कंकरंट कंकरंट. यू हैव टू मैच लाइक दिस. अब आप ये सोचो कि चार क्वेश्चन है इनका एक एमसीक्यू कंबाइन करके कर दिया है ना, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको ईयर वाइज. ओके, ऐसा ही मैं आपको एक हिस्ट्री का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इवेंट्स, हिस्ट्री की सारी इवेंट्स जो है वो मैं आपको मिक्स करके 5 स्टेटमेंट्स बताऊंगी. आपने उनको सीक्वेंस में करना है, कौन सी पहले हुई कौन सी बाद. ठीक है, नंबर वन. अब हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल है, नंबर वन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. पहले लिखो स्टेटमेंट लिखो, आपको ईयर याद होंगे तो ही आप उनको सीक्वेंस में करोगे ना कि कौन सा पहले हुआ कौन से बाद. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, देन थर्ड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, देन बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू, WATERLOO, देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. कितनी इवेंट्स हो गई? 5. अब पहले इनके सामने इनके ईयर लिखो तो ही आप इनको करेक्ट ऑर्डर में कर पाओगे. ईयर लिखो इनके सामने. ऑनलाइन स्टूडेंट्स हरी अप, गिव मी द आंसर. ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेज योर हैंड, दोज हु हैव कंप्लीटेड. इवेंट्स जैसे जैसे के माइंड में आते ना, ईयर अपने आप आता है माइंड में अगर आपको याद होगा. बैटल ऑफ वाटरलू, ईयर कौन सा, मैथ उसको आप अरेंज करोगे ना, 1815. देन सेकंड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, 1848. थर्ड यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली, इटली कौन से हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 में हुई थी. ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918. ये एक बार इसको चेक करो, यूनिफिकेशन का ईयर चेक करो. यस अंशिका, चेक दिस यूनिफिकेशन इटली. ठीक है, चेक कर लो इसको. यस मैम. ठीक है, चेक कर लो ईयर सीक्वेंस सेम है आपका. यस मैम. एनी डाउट रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन. अब आप खुद सोचो बच्चे, देखने को ये आपके 5-6 क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये आपको मैथ्स का कॉलम में जब आएंगे तो ये 1 मार्क का है. इट मींस एमसीक्यूज विल बी वेरी काइंड ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी एमसीक्यूज विल बी देयर. ओके, अच्छा ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं इवेंट्स के अकॉर्डिंग. जब आपको उनके ईयर याद होंगे ना तो ही आप उनको कर पाओगे ना. ओके, नेक्स्ट इज फ्रेडरिक सोरियो प्रिपेयर्ड 4 प्रिंट्स. फ्रेडरिक सोरियो प्रिपेयर 4 प्रिंट्स, देन ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिलेशिया रिवोल्ट, सिलेशिया रिवोल्ट, फॉर्मेशन ऑफ जॉलवेरिन, फॉर्मेशन ऑफ जॉलवेरिन, देन ZOLLVERIIN,
formation of Zollverein, Napoleon Civil Code, Napoleon Civil Code. अब इसको सीक्वेंस में करते हैं. यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेज योर हैंड. वेट 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 ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेज योर हैंड. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको आ सकता है, मैच भी आ सकता है. जैसे मैंने आपको ईयर नहीं ना लिखवाया, ईयर एक तरफ हो सकता है, आपने उसको करेक्ट ऑर्डर में मैच कर लिया. उसके बाद आपको ग्रुपिंग आ सकती कि कौन सा ग्रुप जो है करेक्ट मैच है. क्लियर? या फिर आपको अगर ग्रुपिंग नहीं होगी, आपको अरेंज इन सीक्वेंस हो सकता है कि इनमें से कौन सी इवेंट पहले हुई, तो आपको आ सकता है लाइक 3 1 4 5 या 1 2 3 5 4 जैसे भी है. आपको करेक्ट पहले सीक्वेंस में आपको करना है साइड पे रफ वर्क करके, उसके बाद आपने इसको चेक करना है. जैसे अभी हाँ जी नंबर 1 1804 नेपोलियन सिविल कोड. सेकंड फ्रेडरिक सोरियो प्रिपेयर इन विच ईयर 1848. थर्ड सिलेशिया तो यहाँ पे आएगा फिर 1845 और उससे पहले 1834. ठीक है. नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 लास्ट इवेंट कौन सी? ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. हाँ ये भी पहले आएगा ना. सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल कौन सा ईयर है? सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल. ऑनलाइन स्टूडेंट्स हाँ जी मैच करो जल्दी से. इसमें से आपका एक जो है वो अभी मैच पड़ा है सेकंड नंबर पे. कौन सा ईयर कौन सा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल के द्वारा ग्रीस जो है वो इंडिपेंडेंस उसको मिल गई. तो कौन से ईयर में ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिली? रेज योर हैंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स. हाँ जी बलजिंदर. इन विच ईयर ग्रीक पीपल दे गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर? इन द ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल. कौन से ईयर में साइन हुई थी? हरी अप. यस अंशिका. ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. यस हरी अप पलक. Who will tell me fast? चार आपके हो गए हैं, एक आपका अभी रहता है. ईयर के अकॉर्डिंग मैच करो जल्दी से. हाँ जी माधव रूहानी कीप ए माइक ऑन. मैम 1821 1832 ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है कि ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल ईयर बताना है हमने 1832. अब देखो नंबर 1 सिविल कोड. ठीक है ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब ग्रीक के लोगों को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1832 में स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था. अगर स्ट्रगल आएगा ना तो आएगा 1821. Zollverein वॉज फाउंड इन 1834. सिलेशिया रिवोल्ट 1845 एंड फ्रेडरिक सोरियो प्रिपेयर 1840. ऐसे अब आपको सोचो कि 5 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू बनेगा अगर आपको ईयर अच्छी तरह से याद. एक भी अगर ईयर स्किप हो गया तो आपका सारा अरेंज द ऑर्डर जो है वो गलत हो जाएगा. इट मींस एक ही चैप्टर है, कहने को हिस्ट्री का एक ही चैप्टर है, लेकिन अब आपको यस लिसन नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता. अरेंज द ऑर्डर हमेशा ये होगा कि जो इवेंट्स अलग अलग हो ईयर वाइज. ठीक है तो ये जो है वो आपको सोचना है और हर एक की थिंकिंग अलग होगी. यू कांट टेक हेल्प फ्रॉम एनीवन. हर एक की थिंकिंग रीजनिंग अलग होगी. हाँ आंसर सेम होगा लेकिन आपको कुछ और लगेगा, इसको कुछ और लगेगा, इसको कुछ और लगेगा. तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना लर्न है चैप्टर. एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू टू प्रिपेयर फॉर एमसीक्यू. थॉरो रीडिंग इज मस्ट. डू थॉरो रीडिंग ऑफ द चैप्टर. अच्छा एक एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जैसे आपको किसी भी पैराग्राफ की 4 लाइन्स आ गई और वो फिलअप बेस्ड हो सकता है. उसमें से 3 फिलअप्स होंगे और वो 3 फिलअप्स जो हैं वो आपको अलग अलग ऑप्शंस में होंगे ए बी सी डी. आपको उनमें से रिकॉग्नाइज करना
करना है कि इस लाइन में कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल, फॉर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, राइट डाउन. When Jalwarin was formed, currencies were reduced from, ठीक है, राइट आंसर आपको पता है क्या हो सकता है. इट कैन बी which will be the right answer. Due to formation of Jalwarin, currencies were reduced up to 30 total थी ना, तो 30 को काट कर उनमें से any two exact है, exact आपकी book के according लेना जो भी है, आपकी NCERT बेटा net में information आप लोगे ना तो that will be wrong. अब आपने अपना base बनाना है NCERT. एक बार क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं, जो ऑनलाइन अगर टेस्ट करते हो ना, आप ऑनलाइन कुछ भी सर्च करते हो ना, तो आपका बेस एनसीईआरटी है, नेट की इन्फॉर्मेशन पे रिलाई नहीं करना, आपका बेस एनसीईआरटी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने आंसर देना, ठीक है, क्लियर. हाँ जी, मे बी आपको नेट में करंट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती, ठीक है, तो इसके लिए आपने हमेशा बुक पे रिलाई करो आपका. हाँ तो 32 ही आएगा, हर एक में 30 नहीं, आपके बुक में क्या 32 है अप्रोक्सीमेट, नो आपको ऑप्शन में से चेक करना. सपोज अगर आपने 31-2 कर दिया, आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बुक में 31 तो है ही. अब अप्रोक्सीमेटली बच्चे आपको क्या पता कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो 1821 में ही उसकी डेथ हुई, तो आप ये ईयर तो आपने उसमें मैच करना है. ओके चलो एक और क्वेश्चन है. 1848 में फ्रेडरिक सॉरी प्रिपेयर 4 प्रिंट्स ऑफ, आपको कि मैम अप्रोक्सीमेटली 4 लिखे, तो क्या पता उसने 1848 में कुछ और भी प्रिंट्स बनाए हो. आपने आपका राइट आंसर क्या होगा, मैंने पूछा फ्रेडरिक सॉरी प्रिपेयर्स हाउ मेनी प्रिंट्स इन 1848, 3, 2, 1, 4, सो यू हैव टू रिलाई अपॉन योर बुक 4. अब इसमें ये नहीं कह सकते मैम कि आप सिर्फ 4 ही बनाए थे, मींस आपको बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आना है, ये सोच. पर राइट आंसर आपका 32 ही होगा, ठीक है. हाँ जी, नेक्स्ट और देखो बच्चे, नेक्स्ट इज assertion एंड रीजनिंग. इसके लिए पहले 4 स्टेटमेंट्स नोट करो, assertion एंड रीजनिंग. सबसे पहले लाइक 2 स्टेटमेंट्स विल बी गिवन, एंड इसके लिए आप पहले ए में लिखो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ठीक है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बी में चेंज हो जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सी में आ सकता है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, या डी में आ सकता है इज फॉल्स आर इज ट्रू, फिफ्थ कोई और भी ऑप्शन आ सकता है, बोथ आर ट्रू बोथ आर फॉल्स, डिपेंड करता है ऑप्शन, ठीक है. अब आप स्टेटमेंट नोट करो, लाइक राइट डाउन assertion. हाँ जी, नाउ यू हैव टू टेल मी विच विल बी द राइट ऑप्शन फ्रॉम ए बी सी डी. राइट डाउन assertion. सिविक्स में हम लिखते हैं फर्स्ट वर्टिकल पावर शेयरिंग इज द डिवीजन ऑफ पावर. वर्टिकल पावर शेयरिंग इज द डिवीजन ऑफ पावर फ्रॉम टॉप टू बॉटम. वर्टिकल पावर शेयरिंग इज द डिवीजन ऑफ पावर फ्रॉम टॉप टू बॉटम. देन राइट डाउन आर. Many Indians still living in slums areas. Though India is a democratic country. Both are true, but R
is not the correct explanation of assertion. तो इसका आंसर क्या होगा? B. एक और स्टेटमेंट नोट करो ऐसे ही. Assertion. Assertion. USA. USA. Australia and Switzerland. USA. Australia and Switzerland have formed through coming together federation. USA, Switzerland and Australia have formed due to coming together federation. एक और स्टेटमेंट लिखो. इंडिया इंडिया स्पेन इंडिया स्पेन एंड बेल्जियम आर आल्सो द पार्ट ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन. इंडिया स्पेन एंड बेल्जियम आर आल्सो द पार्ट ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन. क्या है ये? A is true, B is false. India, Spain and Belgium coming में नहीं है, इसमें है, holding में है. Holding का मतलब होता है जिसमें सारे units को बराबरी equal status नहीं मिलता. इसमें याद रखो UP has been given more MPs, more than 80, but Pakistan, sorry, India is given only, India is given only third. India में पंजाब की बात करें तो इंडिया में सिर्फ कितने हैं? 13 MPs. ठीक है, आगे एक और लिखो. सपोज डी इज देयर, डी ऑप्शन. इसमें assertion फॉल्स मीन्स हमने कोई रॉन्ग स्टेटमेंट देनी है तो आप ये दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन एजुकेशन कम्स डायरेक्टली अंडर द सेंटर लिस्ट. एजुकेशन कम्स डायरेक्टली अंडर द सेंटर लिस्ट. आर आर लिखो. कंकरंट, यस कंकरंट. कंकरंट लिस्ट कंटेन्स, कंकरंट लिस्ट से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो. कंकरंट लिस्ट में कौन सी आती है? एजुकेशन. और कंकरंट लिस्ट का कोई भी और एग्जांपल दे सकते हो जिसमें बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक पॉलिसीज. एजुकेशन मैरिज एडॉप्शन, मैरिज एंड एडॉप्शन जो है ये भी आ सकता है. ठीक है, कंकरेंट लिस्ट कंटेन एजुकेशन एंड इन विच बोथ लेवल सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज. अब दोनों बताओ, दोनों में से कौन सा करेक्ट है? कौन सा? आर इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स. ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी लिखो. नेक्स्ट कैटेगरी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन. सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, कई बच्चे सोचते हैं सोर्स बेस्ड या केस स्टडीज में आपको राइट आंसर्स पैराग्राफ में मिल जाएंगे. ऐसा नहीं होगा. सोर्स का मतलब क्या होता है? जस्ट आपको एक ट्रैक बता दिया कि ये आपका ट्रैक है और इस ट्रैक में ही आपके जो आंसर्स हैं इसी ट्रैक के आसपास होंगे. फॉर एग्जाम्पल पहले सोर्स लिखो, 3-4 लाइन्स लिखो बच्चे पहले आप. यस, व्हेन पावर्स आर टेकन फ्रॉम When powers are taken from center and state, when powers are taken from center and state, and given to third level of government, and given to third level of government, it is called, क्या कहते हैं इसको? Decentralization. It is called decentralization. In India, there is a provision of. In India, there is a provision of. Local self-government. Local self-government. Which makes our country more democratic. Which makes our country more democratic.
several changes have been made. Several changes have been made. तो आप खुद सोचो कि कौन सा क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन है जिसमें आपने क्या बताना है, चेंजेस कि 1990 के बाद हमारी कंट्री में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से लेकर क्या क्या चेंजेस आए. अब अगर आपको सारे चेंजेस याद हैं तो मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ. ये हो गया सोर्स, अब आ गया क्वेश्चन. 1/3 सीट्स आर गिवन ओनली टू, ऑप्शन ए, राइट डाउन. 1/3 सीट्स आर गिवन ओनली टू, ऑप्शन ए ऑल द मैन, बी ऑल द वुमेन, सी मैन एंड वुमेन, ऑल द वुमेन सीट्स. नेक्स्ट इज एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन जो है, ठीक है, दीज आर गिवन बाय द नंबर 1 सेंट्रल लेवल, नंबर 2 स्टेट लेवल, नंबर 3 लोकल लोकल बॉडीज. आफ्टर 1990 क्या आएगा, 1990 पर्टिकुलर नहीं, 1990 लोकल गवर्नमेंट का है, नहीं लोकल बॉडीज को कब मिला, चेंजेस हुए थे ना. बच्चे लिसन ध्यान से सुनो, बलवंत राय मेहता कमेटी के अकॉर्डिंग लोकल बॉडीज को जो रिजर्वेशन मिली है, पहले नहीं थी, लोकल बॉडीज को रिजर्वेशन कब मिली, सेंटर स्टेट या क्या आएगा लोकल, ठीक है. तो इसमें आपने लोकल लेवल बताना. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन. इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज गिवन नंबर 1 एट सेंटर लेवल, एट स्टेट लेवल और एट द लोकल लेवल. लोकल लेवल, हम बच्चे लोकल की बात कर रहे हैं. हाँ हाँ ठीक है ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, लोकल लेवल के इलेक्शन. लिसन लिसन बच्चे, आप राघव अरोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, एक में मेरी बात ध्यान से. राघव 1990 से पहले इलेक्शन होते थे, लेकिन पंचायतों के इलेक्शन रेगुलर नहीं होते थे, किसी विलेज में होते थे किसी में नहीं होते थे. लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन 1990 के बाद इट मेड कंपल्सरी टू कंडक्ट इलेक्शंस इन द लोकल बॉडीज. 5 इयर्स के बाद पंचायतों और सरपंच के इलेक्शन करवाना कंपल्सरी हुआ. स्टेट तो था ही, लोकल बॉडीज के चेंजेस की बात कर रहे हैं बच्चे हम. वी आर टॉकिंग अबाउट लोकल बॉडीज, आई एम टॉकिंग अबाउट चेंजेस. हम बलवंत राय मेहता कमेटी के चेंजेस की बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन. बच्चे स्टेट इलेक्शन तो पहले से ही था, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन को लोकल बॉडीज के इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट करने का राइट नहीं था. तो इट वाज गिवन द राइट टू कंडक्ट इलेक्शंस आफ्टर 1990. किसको मिला, स्टेट इलेक्शन कमीशन को. सेंटर का तो वो ऑलरेडी कर ही रहे थे, स्टेट का भी कर रहे थे, थर्ड क्या आ गया, लोकल लेवल. लोकल लेवल जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन को राइट मिला आफ्टर 1990. ये ना अच्छी तरह से पहले बुक को पढ़ो. अभी मैं कह रही हूँ दीज क्वेश्चन मे बी वेरी ट्रिकी, ठीक है. हाँ जी, एक और क्वेश्चन लिखो, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस टाइम ऑफ क्वेश्चंस. यस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स वर बेस्ड ऑन कौन कौन सी स्टेट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है. कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो लैंग्वेज के बेस के ऊपर बनी है, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कल्चर के बेस के ऊपर बनी है. एंड ये आपकी बुक का ना फर्स्ट पेज है, इसको ध्यान से रीड करना, मैं कल पूछूंगी आपको. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड, सम स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, सम स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर. ये आपका फर्स्ट पेज है, उसमें लैंग्वेज से रिलेटेड सारी स्टेट्स का बताया गया है, फेडरलिज्म चैप्टर. अब इसमें आप कहोगे कि मैम सारी स्टेट जो है वो लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर बनी. सम स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड सम स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर. अब ये आपका होमवर्क है, अब आपने मुझे बताना है कि कौन सी स्टेट्स हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग. तो अभी मैं कह रही हूँ अच्छी तरह से बुक के जो पेजेस हैं उनको रीड करो, ठीक है. एक और क्वेश्चन लिखो, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन लिखो. एक और क्वेश्चन, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड
local level of government, local level of government can be compared with the dash of Belgium. Local level of India can be compared with the dash of Belgium. Which will be the right answer? India is a democratic country. Local जो level है यानी कि India का जो third level है, अगर Belgium की बात करें तो Belgium की government जो है उसका कौन सा level है, क्या name है उसका जिसको हम India की local government के साथ compare कर सकते हैं? आप बताओ, ऑप्शन मैं क्यों दूं, आपको पता होना चाहिए. नहीं, आप बताओ. बेल्जियम में लेवल तीन है, थर्ड लेवल है, फेडरेशन के तीन लेवल भी हो सकते हैं. यस, वेट, फेडरेशन के तीन लेवल हो सकते हैं, सेंटर, स्टेट एंड जो लोकल है. बेल्जियम में इसको क्या कहते हैं? कम्युनिटी गवर्नमेंट. बेल्जियम में दो लेवल नहीं है, बेल्जियम में तीन है. सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, स्टेट में अलग है, कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग है. कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग है बेटे.